नमस्कार फ्रेंड्स, 2 दिनों के बाद 19 अप्रैल की रात 12 बजे से लेकर के 22 अप्रैल की प्रातः 5 बजे तक चतुर्ग्रही योग बनने वाला है। चतुर्ग्रही योग का मतलब है चार ग्रह एक ही राशि में बैठने वाले हैं, और वो जो भाग्यशाली राशि है जहाँ ये बैठने वाले हैं वो मेष राशि है। तो मेष राशि पे 19 अप्रैल की रात 12 बजे से लेकर के 22 अप्रैल की प्रातः 5 बजे तक चार ग्रहों की मीटिंग होने वाली है, या चार ग्रह जो है वो एक साथ बैठते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही ये चार ग्रह वहां बैठेंगे तो चार तरह के मेन यहाँ पर योग बन रहे हैं। कुछ अच्छे योग हैं, कुछ खराब योग भी हैं। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा का मिलन होने वाला है, तो सूर्य और चंद्रमा के मिलन को अमावस्या की काली रात कहा जाता है, न्यू मून इसको कहते हैं। और चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं वो एक तरह से आत्मा के सानिध्य में, आत्मा के नज़दीक पहुंच जाएंगी। तो सूर्य और चंद्रमा का मिलन इन 3 दिनों में होने वाला है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनने वाला है, और ये योग इसलिए भी प्रबल इस बार बनने वाला है क्योंकि सूर्य इस समय अपनी उच्च की राशि मेष राशि में है, केतु के नक्षत्र में। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस मेष राशि में जो होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे ग्रहण योग भी बना हुआ है। सूर्य और राहु इकट्ठे हैं, तो सूर्य को जो है वो राहु ग्रहण लगाता है, और वहीं चंद्रमा को जो है वो केतु ग्रहण लगाता है। तो सूर्य राहु का ग्रहण योग बना हुआ है। उसके अलावा चंद्र और राहु का विष योग भी बना हुआ है। बहुत टॉक्सिन, जो टॉक्सिनिटी रिलीज करने वाला योग होता है जब भी चंद्रमा पे राहु का इफेक्ट आता है, और जो ल्यूनेटिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, आप फुल मून वाले दिन जो आप देखते होंगे कि लोग बहुत इरेटिक बिहेव करते हैं, चंद्रमा जिनका ख़राब होता है, तो यहाँ पर ये लूनर अपहिवल भी इसको कहा जाता है। तो ये विष योग की तरह यहाँ पर देखने वाला है। और इस योग के साथ एक शुभ कर्तृ योग भी बन रहा है क्योंकि मेष राशि के दोनों तरफ शुभ ग्रह इसमें बैठे हुए हैं। तो शुभ कर्तृ योग बन रहा है, एक तरफ शुक्र महाराज बैठे हुए हैं तो दूसरी ओर देवताओं के गुरु बृहस्पति का वहाँ पे बैठने से ये योग बन रहा है। तो द्विद्वादश योग भी बहुत शुभ बना हुआ है। मेष राशि इस समय फुल एनर्जाइज्ड या पूर्ण बली या पूर्ण बाहुबल के साथ जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसा योग जो होता है बहुत लंबे समय के बाद बनता है, इसीलिए मेष राशि पूर्ण रूपेण जो है इस समय आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जब इसको हम देखते हैं तो इस समय जो फोकस रहने वाला है, जो नेशंस जिन कंट्रीज को इस चतुर्ग्रही योग का प्रभाव पड़ने वाला है, उसमें इंडिया, इंग्लैंड और जर्मन, यूके, इंडिया और जर्मन, इन कंट्रीज को कोई मेजर इवेंट इन 2 दिनों में या 3 दिनों का जो योग है 19 से 22 तारीख का, इन दिनों में कुछ मेजर अपहीवल या मेजर इवेंट इन 3 राष्ट्रों में हो सकता है क्योंकि मुंडन एस्ट्रोलॉजी में इन कंट्रीज को ये राशि दी गई है। तो ये योग यहाँ पर इस तरह से बन रहा है, और मेष राशि बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इसमें रहने वाली है। अब मैं उन 4 लग्नों की बात करूँगा जिन लगन वालों को इस चतुर्ग्रही योग का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। हालांकि सभी लग्नों को अच्छा और बुरा प्रभाव प्राप्त होता है, रहेगा इस चतुर्ग्रही योग से, परंतु कुछ 4 लग्न हैं जिन लगन वालों को विशेष तौर पर शुभ परिणाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाऊँ आपसे वही आग्रह है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। तो सबसे पहला लगन, जिस लगन को इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, जी हाँ, वो है मिथुन लगन। और मिथुन लगन जो है डोल राशि है, आप जानते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत थॉटफुल होते हैं लोग, बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ते हैं और हर हालात में अपने आप को ढाल लेते हैं। चंद्रमा का ये जो मेष राशि में, और ये चार ग्रहों का जो चंद्रमा समय चार ग्रह का जो योग हो रहा है वो आपके लाभ स्थान में मिल होने वाला है। तो मिथुन लगन वालों के लिए इस समय तो सबसे अच्छा ये है कि पैसा आना, लाभ कमाना, प्रॉफिट हो जाना, मुनाफा हो जाना, और कहीं ना कहीं कोई नई डील या कोई नया प्रोजेक्ट इन 3 दिनों में आपके हाथ लगेगा। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स, आय के साधन इन 3 दिनों में आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इसी समय आपके कोई रिलेशनशिप को भी ये बनाएगा, या रिलेशनशिप में मधुरता, समरसता का भाव पैदा करेगा क्योंकि ये रिलेशनशिप्स के ट्राइन में बन रहा है। तो आपको रिलेशनशिप, संबंधों में बहुत अच्छे रहने का समय योग बन रहा है
मिथुन लगन वालों को। अगला लगन जिस लगन पर कृपा होने वाली है वो है कर्क लगन, और कर्क लगन वालों के लिए दशम स्थान में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। कर्क लगन आप जानते हैं एक्टिविटी का कारक है, बहुत जो इन लोगों को जो रहता है एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं इनके अंदर, इंटरप्राइजिंग होते हैं, आगे बढ़ना है, इमोशनल भी ये रहते हैं, इमोशनल नेचर बहुत ज़्यादा होती है, हर बात को दिल पर लगा लेना, कर्क लगन वालों का ऐसा स्वभाव देखा जाता है। और यहाँ पर सूर्य की जो स्थिति है दिग्बल को भी प्राप्त कर रही है, सूर्य दशम स्थान में है आपके बन रहा है कर्क लगन वालों के लिए। तो यहाँ पर आपके जो जीवन में इस समय जो इश्यूज आ रहे हैं जो आपको ये प्राप्त होने वाला है, सबसे पहले तो आपको सिक्योरिटी यहाँ मिलेगी, कुछ स्थायित्व प्राप्त आप करेंगे, और कोई रिकॉग्निशन इन 3 दिनों में आपको मिल सकती है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है समाज में मान सम्मान मिलना, आपने जो भी कार्य आज तक किए हों उसकी सराहना हो सकती है, और जब सराहना होती है तो उसका जो परिणाम होता है भी कई बार व्यक्ति को प्रमोशन मिलती है, कई बार उसको जो है रिवॉर्ड मिलता है, कई बार उसको फाइनेंशियल इंक्रीमेंट पैसों का लाभ होता है। तो इस तरह से इसको देखा जाएगा कि आपको कोई मान सम्मान यहाँ पर इन 3 दिनों में मिल सकता है। बहुत प्रैक्टिकली समय आप आगे बढ़ रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, इमोशंस को आपने साइड में रखा हुआ है, और इस समय जो आपका संबंध है या आप जो कार्य जिस तरह से करेंगे वो एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं आप, या एक मेथड है जो तरीका है जीने का या कि हर काम को करने का, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कर्क लगन वाले। अगले लगन जिस लगन की मैं बात करूँगा वो है सिंह लगन, और सिंह लगन के हिसाब से जो है स्टेबल साइन है, फिक्स साइन है, जब तक सिक्योरिटी है तब तक आप कोई नया काम करने की नहीं सोचते हैं, बिल्कुल शांत प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ते हैं, धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। परंतु वर्तमान में जो ये अग्नि तत्व की राशि में ये आपके नवम भाव में गोचर होने वाला है चतुर्ग्रही योग का, तो ये डायनेमिक बना देता है आदमी को, अपने काम के लिए व्यक्ति हर तरह से कोई ना कोई जुगाड़ आप इस समय करते हुए नजर आएंगे। आपकी विल पावर इस समय बहुत ज़्यादा हाई फुल पावर वोल्टेज में होने वाली है, और जीवन की हर आयाम को इस समय आप इंजॉय करते हुए नजर आएंगे। और जब मैंने आपसे कहा कि विल पावर स्ट्रांग हो रही है तो सूर्य का संबंध वहाँ पर है, विल पावर का कारक सूर्य है और चंद्रमा भी वहाँ आ गया है, तो लिक्विड मनी आपको मतलब रोज की रोज जो जो पैसा हम कमाते हैं उसको कमाने का योग यहाँ पर सिंह लगन वालों के लिए बना हुआ है, बहुत उत्तम है, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं धर्म का या धार्मिक गुरु का या जिसके प्रति भी आपके मन में आस्था है वहाँ से आपको लाभ की स्थितियाँ सिंह लगन वालों को यह चतुर्ग्रही योग बनाता हुआ नजर आएगा। अगला लगन जिस लगन की मैं बात करूँगा वो है मीन लगन, और मीन लगन वाले जो होते हैं बहुत थॉटफुल सा उनका रहता है, और जीवन बहुत फ्लेक्सिबल सा अप्रोच है, हर काम में हर तरह से ढल जाना, जल तत्व की राशि है वहाँ पर। और ये जो योग आपके लिए बन रहा है ये आपके दूसरे भाव में बन रहा है, सेकेंड हाउस में, पैसे वाले हाउस में, तो जो आपका इमोशनल तरीका है जीने का, हर काम को इमोशनली आप उसका रिस्पॉन्स देते हैं, तो यहाँ पर अब जो समय आपका आया है वो प्रैक्टिकल हो करके पैसे कमाने का इन 3 दिनों में योग बन रहा है, कहीं ना कहीं से आपको पैसा यहाँ पर अवश्य प्राप्त होगा। और वहीं पर इस समय जो है आप अपनी फैमिली का जो आपके पुश्तैनी घर है या पुश्तैनी संबंध है या आपकी रूट्स हैं जो जड़ें हैं उसके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, और उसके बारे में जानने का मौका भी इन 2 दिनों में आपको मिल सकता है कि आपके परिवार या आपके पूर्वज या आपके पुरखे जो हैं वो आपके लिए क्या कुछ करके चले गए हैं और आपके जीवन में उनका कितना बड़ा महत्व है। तो ये 3 दिन जो है मीन लगन वालों के लिए अपने पूर्वजों की तरफ मुड़ने का है और पैसे प्राप्त करने का बहुत प्रबल योग यहाँ पे आपको बन रहा है। तो ये चतुर्ग्रही योग जिसके हमारे आज हमने चर्चा की 19 अप्रैल की रात 12 बजे से 22 अप्रैल प्रातः 5 बजे तक बनने वाला है, और उसके हिसाब से फिर जो 4 लगन हैं जिन पर इसका शुभ परिणाम आएगा उसके विषय में आज हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।